दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज हम 10वीं की प्रथम परिमंडल चैप्टर 5 एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ हाईलाइट मैंने किया है वो पढ़ूंगा, मगर ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है तो इसमें चीजें छूटना नहीं चाहिए। आप जितना हो सके चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ये कह रहे हैं पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें जो है पर्यावरण के तीनों घटक होते हैं। एक जहाँ पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहा जाता है, और एक जहाँ पर हम सांस लेते हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, और एक जहाँ से हम जल को ग्रहण करते हैं वो जलमंडल कहा जाता है, और कुछ ऐसा सीमित क्षेत्र होता है जहाँ पर तीनों आपस में आकर के मिल जाते हैं, इन्हें जीवमंडल कहा जाता है। अब यहाँ पर भूमंडल के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों को का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि भूमंडल जो होता है इसी को भी इंग्लिश में लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। कुछ लोग क्या भूमंडल को समझ लेते हैं जैवमंडल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जैवमंडल क्या होता है कि वहाँ पर तीनों चीजें साथ में मिलनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से घटक? भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। लेकिन जो भूमंडल होता है वो सिंगल अपने आप में एक मंडल है, ठीक है? क्या है, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक जो स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या लैंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कमेंट में मुझे बताइएगा। अच्छा, आगे लिए समुद्र जल के तल सभी जगह समान है, एक ही ऊंचाई है। इसी वजह से एक काम करते हैं कि हम लोग जो भी सी लेवल से ही मेजर करें, कुछ भी हाइट होती है वो हम लोग सी लेवल से ही मेजर करते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि कहाँ पर कौन सा सागर है, कौन सा कहाँ पर लैंड फॉर्म है। तो चलिए, इसका एक फिगर मेरे पास है, आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास जो ऊपरी परत है इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक महासागरीय बेसिनों में और एक क्या है, महाद्वीपों में। तो हमारे पास सात महाद्वीप हैं, एक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यह है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठंडा महाद्वीप, ठीक है? अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। ये लगभग पूरी पृथ्वी की जितनी भी लैंड है, जितनी भी ये महाद्वीप है, कंटिनेंट है, इनका 1/3 एशिया ही है, और हम लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में ही रहते हैं। अच्छा, कुछ बातें और यहाँ पर हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए आप कि कुछ कुछ पर्वतमालाएं आपको नजर आ रही होंगी और कुछ महासागर नजर आ रहे होंगे। तो चलिए पहले महासागर पे ध्यान दे लेते हैं। प्रशांत महासागर कहाँ पर है? ये दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ये पीछे जाकर के मिल जाता है इस तरीके से। बीच में अटलांटिक महासागर दो हो गए, यहाँ पर हिंद महासागर तीन हो गए, और इसके बाद में क्या है, दक्षिणी महासागर चार हो गए, और ये आर्कटिक महासागर पांच हो गए। इस तरीके से पांच महासागर हो गए हैं। अच्छा, और अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन इनके बारे में लिखी हुई है। अच्छा, जो अपनी पूरी अर्थ का सबसे जो ऊंचा बिंदु है उसको बोला जाता है माउंट शिखर, सॉरी माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट जो है इसकी जो हाइट है 8,800 मीटर है, और इसके बाद में जो सबसे गहरा पॉइंट है वो 11,022 मीटर है, जिसको क्या बोला जाता है, मरियाना। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है। और इसके बारे में मरियाना ट्रैंक बोला जाता है, आप लोग देख लीजिए। तो फिर महाद्वीप, इसके बारे में महाद्वीप के बारे में बताया गया, सारे महाद्वीप यहाँ पर दिए हुए लाइन से। ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा ये यूरेशिया होती है वो यूरोप और एशिया को मिला के बोला जाता है। बाकी मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल बता दी है। अब बस इतना एक बात और ध्यान रखिए कि जो एशिया महाद्वीप है उसमें से कर्क रेखा निकलती है, यूरोप से जो होती है वो कर्क रेखा नहीं पास होती है क्योंकि ये उत्तर में स्थित है। अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप से क्या होता है, तीनों अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से इक्वेटर, कर्क, मकर तीनों रेखाएं पास होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सहारा रेगिस्तान है वो कहाँ पर है, वो भी अफ्रीका में ही है। उत्तरी अमेरिका जो हो गया वो हम लोग उत्तरी अमेरिका से बिल्कुल वाकिफ हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको उसको मिलकर के बनाता है उत्तरी अमेरिका, और इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका है। अब एक बात और ध्यान रखने वाले, कभी का उत्तरी अमेरिका जो था, आप जब यहाँ पर बड़े वाले मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिमिलरिटी मिलती है दक्षिणी अमेरिका की यहाँ अफ्रीका से, तो कभी का ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, और यहाँ पर देखिए सिमिलरिटी मिलती है, यानी ये भी आपस में जुड़े हुए थे, यानी ये पूरा का पूरा एक बड़ा महाद्वीप था। तो इसके बारे में फिर होगा, ये 11th में पूरा का पूरा चैप्टर है जिसके बारे में डिस्कस होगा 11th क्लास वाली एनसीईआरटी में। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है कि ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है।
अंटार्कटिका के बारे में है, एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतें जमी रहती हैं, और यहाँ पर कोई भी मानव का स्थायी निवास नहीं है, यहाँ पर लोग खाली क्या शोध करने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है जलमंडल। तो हमको पता है कि पृथ्वी का 71% भाग जो है जो जल है, 71% भाग जो है जल है और 29% भाग स्थल है। ठीक है, जल मंडल में जल के सभी रूप अवस्थित हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? नदियां, झीलें, हिमानिया, यानी कि तीनों वही जो किसी मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसी फॉर्म में अपना जल अवेलेबल है। 97% से अधिक जल महासागरों में है, और बाकी का जो जल है वो क्या है कि जलाशय उसमें है, नदियों में है। और चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बना हुआ है कि सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, तो आपसे देखने तो आप समझ जाएंगे। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, देन अफ्रीका महाद्वीप है, देन उत्तरी अमेरिका है, देन दक्षिणी अमेरिका है, देन अगर देखा जाए तो यूरोप है, देन ऑस्ट्रेलिया, फिर आर्कटिक को सबसे लास्ट में काउंट किया जाता है। मगर बताया जाता है कि आर्कटिका काफी बड़ा महाद्वीप है। अब ये महासागर बताए गए, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया पांच महाद्वीप के बारे में, अभी वायुमंडल के बारे में बताया जाता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की परत जो घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है, क्योंकि तो ज्यादातर जो क्रियाएं होती हैं वो इसी में होती हैं। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है यह वायुमंडल, के उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर पांच परतों में विभाजित किया जाता है। सब तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे जो निचली परत है वो क्षोभ मंडल, देन समताप मंडल, देन मध्य मंडल, देन आयन मंडल और बहुर मंडल। यहाँ पर सब कुछ क्लियर किया गया है। देखिए ज्यादातर क्या होता है, क्षोभ मंडल में सारी की सारी मौसम की क्रियाएं होती है, समताप मंडल में ज्यादा हवा के झोंके नहीं आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर आदि उड़ाना, जेट आदि उड़ाना आसान होता है। और यहाँ पर मध्य मंडल जो होता है, यहाँ पर कभी भी आसमान से टूटते हुए तारे जो दिखाई देते हैं, टूटते तारे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो जब प्रेजेंट हो जाते हैं यहाँ पर, तो जो है ये यहाँ पर अक्सर मध्य मंडल की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा जो आयन मंडल होता है उसमें जो हम लोग सेटेलाइट वगैरह भेजते हैं वो जाती हैं, और देन बाहिर मंडल में ये सेटेलाइट रहती है। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल से ही हमारे जो सिग्नल होते हैं वो टकरा के वापस आ जाते हैं, और जिससे हमें दूर संचार की जो चीजें होती हैं इससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है इसी के जरिए। अब यहाँ पर वायुमंडल के बारे में, सारी परतों के बारे में बताया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या है और टोटल कितना। 78% जो है उसमें से नाइट्रोजन है, जितनी भी है 21% ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन तथा अन्य गैस जो है वो 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होती है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। हर चीज आवश्यक है, मगर हर चीज से ज्यादा अधिकता भी जो है बुरी बात है। यहाँ पर देखिए अब मिलाया दिखाया गया है कि किस तरीके से ये वायुमंडल है, किस तरीके से ये जल मंडल है, और किस तरीके से ये स्थल मंडल है। और जब ये सब मिल जाते हैं तब देखिए यहाँ पास ये स्टेज कौन सी है, ये हो जाएगी जैव मंडल। ठीक है, अब यहाँ पर जीव मंडल के बारे में बताया गया। जीव मंडल स्थल तथा जल तथा हवा के बीच की एक सीमित भाग है। यहाँ वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियों से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल में जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है। अब देख लेते हैं इसके कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। देखिए अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक थी, शायद मैंने बताना भूल गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो पर्वत है, यहाँ पर देखिए ये है यूराल पर्वत, ये है अपना हिमालय पर्वत, दो हो गए। अब यहाँ पर जो हो गया ये हो गया रॉकी पर्वत, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा हो गया, ये हो गया एंडीज पर्वत, ठीक है, सॉरी ये हो गया एंडीज पर्वत, ये हो गया एटलस। तो इस तरीके से कुछ पर्वत यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उनमें से क्वेश्चन यहाँ करा जा रहा है, तो आप देख लीजिए। ये अब क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि सॉरी यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो कहते हैं एंडीज, हिमालय, यूराल, तो यूराल इज द करेक्ट आंसर। ओके, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ता है, तो मुझे पता है, हम लोग को पता है स्थलमंडल जलमंडल की नहर, तो ये ऑफकोर्स स्थलमंडल के थ्रू जुड़ता है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो हम लोगों को पता है नाइट्रोजन का कितना है, 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना हुआ है, वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल, तो सबको पता है कि ये थलमंडल है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमको पता है कौन सा है, ये एशिया महाद्वीप है। अगर इसमें एशिया ऑप्शन ना देते तो क्या देते, अफ्रीका अपना हो जाता। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, मरियाना गर्त, बताया मैंने अभी। महासागर का 11 कितना है, 11,022 किलोमीटर, 22 मीटर। महासागर का नाम एक देश के नाम पे, हिंद महासागर का नाम। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक होता है वो कौन सा कहा जाता है, जैव मंडल।
यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसकी हाइट भी बतानी है कितनी है। और